क्या हुआ सैयद भाई? एक इशू हो गया। कैसा है? इशू? वेड़ी मिसिंग है। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली तब मैंने पीएससी एग्जाम हॉल और स्कूल जंक्शन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। ये देखो, ये इधर चैन स्नैचिंग के अटेम्प्ट का केस हुआ था, इस फुटेज में वेड़ी उसके पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है, तभी से वो लापता है शायद। देखो ये गाड़ी देवांची मूला रेलवे कॉलोनी के पास किसी कीरी समीर की गाड़ी है। मैंने वहां के दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चेक की पर वेड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसे वकील मैडम के घर ले जाओ। हाँ हाँ, गाड़ी स्टार्ट करो। जी भाई। ज्यादा गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, अपने लड़कों को यहाँ से भगा दे। मैं जगह देखकर नहीं इंसान का काम देखकर मारता हूँ। हट! चाहे तुम जो भी हो लेकिन हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। मुझे ना तू चाहिए ना तेरी चोरी की चेन। कहाँ है वो? हम इस काम के लिए उस दिन वहां गए थे। बाय बाय। चल चल चल। वो हमारे पीछे भागे। जब हम रोड पे पहुंचे एक ट्रेवल वैन आई और उसे उठा के ले गई। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे वहां से उन लोगों ने उसे किडनैप किया। मैंने देखा नहीं। कहां से ले गए थे? अंधकाल स्वामी रोड से। अरे सुग्री, तूने यहाँ काम करने का मन बना लिया है? मामला खत्म करते हैं। ये कार बीच में खड़ी कर और फिर ए, कोई भी अपने जगह से नहीं लेगा। कदम भी बढ़ाया तो बिना पैरों के रेंगते हुए वापस जाओगे। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? चलो भागो यहाँ से। चल मुझे दो सवालों के जवाब चाहिए। पहला, किसे अस्तु ने किडनैप किया है? वह जिंदा है या नहीं? अगर है तो कहाँ है? बस उसका स्केच मिला था, कुछ दिन हमने उसे फॉलो किया, हमारा बस इतना ही काम था। हाँ।
बहुत फास्ट निकला। अरे अब जाने दे, इस मैटर में उसका ज्यादा रोल नहीं है, ये छुपा छुपी का खेल मैंने ही तैयार किया है। तू एक काम कर, शाम के 6 बजे जय हिंद मार्केट आ जा, तेरी पत्नी तुझे मिल जाएगी। Joe!